हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी क्लासेस आपके लिए आएंगे आप उनको जल्दी से देख सकें। हेलो स्टूडेंट, तो हमने लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हमने 8th क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए, तो अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे आज इस लेक्चर में। 9th क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की स्क्वायर एक्स की 5। तो यहाँ पे हमें 5 और 25 और 10 दे रखे हैं, तो हमें लगभग इनमें क्या करना, हमें इनमें बेस सेम करना होता है। बेस सेम करेंगे तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स का 8। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 10 को लिख सकते हैं हम, 5 की क्यूब मल्टीप्लाई 2 की क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, एक्स की 5। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब देखो 5 की बेस सेम है, 5 और 5 तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 की 4 मल्टीप्लाई एक्स की 8, नीचे 5 की 3 मल्टीप्लाई 2, ऊपर नहीं है नीचे भी नहीं है, तो 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे अब, सॉरी एक्स की पावर 5 है यहाँ पे, 5 की 3 5 की 4, 5 ऊपर जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5, 8 ऊपर जाएगा नहीं, 8 तो नीचे ही रहेगा। एक्स की 8 ऊपर है, 5 नीचे, ऊपर जाएगा तो एक्स की 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको सोल्व करना है, थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में है 2 की पावर 5 की पावर 3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 15, 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 है यहाँ पे, हमें 2 बेस लेना है यहाँ पे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 3 लिख सकते हैं, और उसकी 3 मल्टीप्लाई 7, 2 की 15 मल्टीप्लाई 2 की 3 3 जा 9, ऊपर मल्टीप्लाई 7 की क्यूब है, नीचे 7 है, तो 2 की 15 में से 2 की 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 की 6 मल्टीप्लाई 7 की 3 में से 7 की 1 माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर, 2 की 6 क्या होता है, और 7 का स्क्वायर 2 की 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 5 और 1 2 और 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 जा 36, 69, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3136, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे हम, 1 by -1/3 ब्रैकेट स्टार्ट कर रखे हैं यहाँ पे, -1/3 की पावर 2, तो -3/1 की पावर 1 by -1/3 की पावर 2 है, तो ये इसको हम स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा प्लस का। इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, सिंपल ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया,
यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे फिर माइनस वन है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम माइनस टू है नीचे आके इसको सोल्व करेंगे तो वन बाई नाइन स्क्वेयर, जो पावर माइनस में वो प्लस में हो जाएगी और इसकी पावर माइनस वन है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये नाइन का स्क्वेयर, और पावर नाइन का स्क्वेयर क्या होता है, 81 की पावर माइनस वन, 81/81 लिखेंगे इसको। माइनस में पावर है तो 1/ क्या लिखेंगे, 81। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट रहता है नाइन्थ क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना ये इजी है। टेंथ क्वेश्चन करते हैं। टेंथ क्वेश्चन में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ इच ऑफ द फ्लोविंग, रेसिप्रोकल करना है इनका। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिसकी पावर जीरो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो सिक्स की पावर जीरो वन, मल्टीप्लाई नाइन की पावर जीरो है वन, वन मल्टीप्लाई वन क्या रहा, वन ही आएगा। और वन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वन ही होगा। तो ये हमारा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 की पावर माइनस 5/7 की पावर सेवन है, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/5 की पावर सेवन, उल्टा कर देंगे इसको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये -4 की पावर थ्री, -4 की पावर थ्री अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 की पावर थ्री हो जाएगा, 1/-4 की पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है तो -4 है तो 1/-4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इलेवंथ क्वेश्चन है। अब इलेवंथ क्वेश्चन में हमें करना है सिंप्लीफाई करना है, इलेवंथ क्वेश्चन, इलेवंथ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 7/-1, 7/-1 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पे हम 7/-1 प्लस 3/2 माइनस वन है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस वन को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 1/3/2 लेके आएंगे वापस ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 और इस पूरे की पावर क्या है, माइनस वन। अब माइनस वन 7/-1 है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस, ये 7 है यहाँ पे, प्लस 2/3 और की पावर माइनस वन, 2/3 यहाँ पे। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 21 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 21 एलसीएम आएगा तो 7 3 जा 21 1 3 जा 3 प्लस 3 7 जा 21 2 7 जा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/21 की पावर माइनस वन। अब माइनस वन इसको प्लस में लेके आएंगे तो ये जो ये अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो पलट जाती है, यानी माइनस माइनस में जो पावर है अगर हम इसको प्लस में करना है तो इसको पलट देंगे, यानी ये इसकी पावर वन हो जाएगी, क्या होता है 21/17 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, पलटती कैसे, देखो इसको माइनस वन है तो 1/17/21 करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 21/17 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, इलेवंथ क्वेश्चन का, 5/-1, 5/-1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। -4/-1 है तो इसको क्या लिखते हैं, -1/4 और इसकी भी पावर माइनस वन है। प्लस 2/-1 है तो 1/2, -1/3 और इसकी पावर माइनस वन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे 5/4 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 5/4 जा 20, 1/4 जा 4, माइनस
फोर फाइव जै 21, फाइव जै 5 प्लस, यहाँ पे पावर माइनस वन में है प्लस करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे अब 2 और 3 का लेंगे 6, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, पावर यहाँ पे भी माइनस में है तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 20 की पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई 6 की पावर माइनस 1। तो अब इसको फिर अगर इसको माइनस 1 प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको पलटेंगे माइनस 1 में माइनस 1 पावर है तो इसको हम पलट देंगे तो माइनस 20 बाई 1 आ जाएगा, माइनस 20 बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको 6 बाई 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस 20 प्लस 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 14 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 14। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। कुछ क्वेश्चन हम अब 6.3 के क्वेश्चन कर लेते हैं इस क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अब, 6.1 और 6.2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी 6.3 एक्सरसाइज है, इसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको जो नंबर लिख रखा है इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ पे जो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, मतलब 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है, तो ये 6 मल्टीप्लाई हम इसको लिखेंगे, सोल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है तो इसको 1000 लिखेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है तो इसको लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 है तो 0 मल्टीप्लाई 10, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है तो इसको हम 1 लिख देंगे, 10 की पावर किसी की पावर 0 तो 1 हो जाता है, ये कितना हो गया, ये 6000 प्लस 500 प्लस, अब देखो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6, अब इसको हम अगर नंबर में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, हम इन तीनों चारों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 6506, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 6506। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है इसका, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 तो इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 यानी प्लस 6 मल्टीप्लाई क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 0 तो 1, यहाँ पे 10 है। ओके स्टूडेंट, तो 9 मल्टीप्लाई 10000 है तो ये कितना हो जाएगा, 9000, ये हो जाएगा 9000 प्लस 6 की पावर 1000 है तो 6000, सॉरी 9 की पावर 10000 तो 90000 हो जाएगा, 90000 6000 प्लस 4 की पावर 100 है तो 400, 5 मल्टीप्लाई 10 है तो सॉरी 4 मल्टीप्लाई 100 है तो 400, 5 मल्टीप्लाई 10 है तो 50, 7 मल्टीप्लाई 1 है तो 7, इस प्रकार से हम इनको अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे यहाँ पे हम। ओके स्टूडेंट, तो 9 6 4 5 7। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 96,457 सॉरी, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, वो आपको करना है, फोर्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आपको करना है, फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ।
फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर सिक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर सिक्स, यानी कि सिक्स जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, एट मल्टी प्लस एट मल्टीप्लाई टेन की पावर फाइव है, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर फोर है, सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर फोर है, फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री है, प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री है, प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर टू है, प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर टू है, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन है, तो हम इसको सिक्सटी भी लिख सकते हैं, वो प्लस नाइन मल्टीप्लाई टेन की पावर जीरो है तो वन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नाइन। अब इसको लिखेंगे हम फोर के आगे कितने जीरो है, छः जीरो यहाँ पे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, प्लस एट के आगे फाइव जीरो है तो वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स के आगे फोर जीरो है, सिक्स के आगे फोर जीरो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर के आगे थ्री जीरो हूँ वन टू थ्री, फिर फोर के आगे टू जीरो हूँ वन टू, फिर सिक्सटी है और फिर नाइन है। तो इसको नंबर में लिखेंगे तो पहले फोर आएगा, फिर एट आएगा, फिर सिक्स आएगा, फिर फोर आएगा, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर नाइन। ये इस प्रकार से स्टूडेंट हम इनको नंबर में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया कर लिया है, थर्ड पार्ट रहता है वो हम वो आपको करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। राइट द फ्लोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा था, नंबर में लिखना था, यहाँ पे नंबर में लिख रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 34,562 है, 34,562 है यहाँ पे, तो देखो 34,000 है ना, थ्री के आगे 34,000 है, थ्री के आगे 10,000 आएगा, 10,000 में हम क्या लिखते हैं, 10,000 प्लस फोर के आगे सॉरी फोर मल्टीप्लाई थाउजेंड, प्लस फाइव के आगे हंड्रेड, और प्लस टू के आगे हम लिखेंगे टेन की पावर जीरो, या टेन लिख देंगे हम, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे टेन थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर फोर, प्लस फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री, प्लस सॉरी ये फाइव सिक्स रह गए यहाँ पे, यहाँ पे फाइव के बाद सिक्स है एक, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर टेन और की पावर वन, और फिर यहाँ पे जीरो, वन लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पे फोर टेन की पावर थ्री, फिर फाइव टेन की पावर स्क्वेयर, प्लस सिक्स टेन की पावर वन, और प्लस टू टेन की पावर जीरो। इस प्रकार से इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78,000, 78 नहीं है, 7,85,965। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7,85,965, 7,85,965। तो इसको हम करेंगे, देखो 7 लाख है तो 7 मल्टीप्लाई 7 का कितने डिजिट है, 3 और 2 5, तो अभी 5 0 आ जाएंगे। प्लस 8 के आगे कितने हैं, 4 डिजिट हैं तो 4 0, 5 के आगे 3 है तो 3 0 यहाँ पे, प्लस 9 के आगे 2 है तो 2 0, प्लस 6 के आगे 1 है तो 1 0, प्लस 5 के आगे 1 भी नहीं है तो 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई या 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम प्लस 5 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट आपको करना है, लास्ट पार्ट अभी करते हैं इसका। 75, 50, 42, 75, 50, 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 सॉरी प्लस 5 के आगे 4 0 प्लस 5 के आगे 1 2 3 प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, तो यहाँ पे आगे 7 के आगे 5 0, तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 5 है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 5 है तो 10 की पावर 3 प्लस यहाँ पे देखो 0 है, तो यहाँ पे हम 100 को 0 से करेंगे जो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 2। तो इस प्रकार से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, तब तक आप अपना ये होमवर्क, जो 6.2 का क्वेश्चन रहते थे वो, और 6.3 के जो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हुए हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये आप अच्छी तरह से कर लेना। बाकी के क्वेश्चन रहते हैं 6.3 के, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, इस चैप्टर को हम। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।